दिल्ली के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक कला केंद्र में 3 दिवसीय अयोध्या पूर्व का शुभारंभ हो चुका है। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के संरक्षण में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नरेंद्र तोमर ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। उनके साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इसमें नक्शे के माध्यम से अयोध्या की 84 कोस की परिक्रमा समेत अयोध्या में भगवान राम के जन्म से जुड़ी कई तरह की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। अयोध्या पर इसके साथ ही अयोध्या पर्व के मौके पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से हमारे संवाददाता अमित दुबे ने खास बातचीत की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली की अगर बात करें, लगातार जो है एक बार फिर अयोध्या पर क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? अरे, सारी दुनिया का केंद्र अयोध्या में है, सारी दुनिया के राजदूत यहाँ रहते हैं, यहाँ की खबरें वो देखते हैं, इसलिए दुनिया में पहुंचाना है तो दिल्ली से ही जाएगा। सर, ट्रस्ट भी बन गया, महासचिव भी हो गए, अध्यक्ष भी हो गए, अगली बैठक अब तक तय नहीं, देरी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, तो समझदार लोग हैं हम मूर्ख भी नहीं है, जल्दबाज भी नहीं है, समझ लो। यानी लोगों को बहुत जल्द राम मंदिर मिलेगा? नहीं, लोग जो है ना उतावले ज्यादा तो साफ तौर पर यह चंपत राय को सुना जा सकता है कि उन्हें जल्दी नहीं है, लोग राम मंदिर को लेकर ज्यादा उतावले हो रहे हैं। कैमरा मैन राहुल के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।